पानी से क्या करना है नहीं मिलेगा पेपर जो है I You love और तो मैं यूज करता हूं तो का है से आपको बहुत सारे पेंटिंग देखने को का है बेहतरीन लास्ट नाइट स्टी कर रहा था होके क्या मैंने टेक्निक्स का यूज किया और यहाँ पे जो कलर यूज़ किया गया है कैमेरिन हर कोई मेरा आवाज़ ठीक आ रहा है हेलो चेक हेलो तो सेटअप मैंने तो जो येलो यूज किया है ग्रीन यूज और कोई है अभी भी मेरे साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है और इस तरह से बल्कि करना चाहिए लैंडस्केप वो फील होता है फाइव डिग्री पे है जी। ये जो डार्क मैंने यूज किया यहाँ पे एन ग्रे है वो है और जो व्हाइट स्पेस छोटे छोटे आपको दिख मैं एंडल लगाया था पहले और जो आते हम टचअप करके रखा था जो व्हाइट जितने भी आपको स्पेस दिख रहा है डॉट डॉट कलर ऊपर लग नहीं रहा एक ही कारण है एंडल लगाया था प्लान से किया था कि पूर्व वाला लाइन पे घर है के अंदर करने के कहा मैं अभी दिखाई दे रहा है कि है कहाँ पे लगा कल यहाँ पे जो कलर मैं क्या हूँ पूरा मैं बता देता हूँ एक साइड से कटिंग में मैं लॉकर यूज़ की हेलो हेलो शेख हेलो ओके चलिए ठीक है आप शायद ठीक रहेगा हाँ, मैं जैसे जैसे बता रहा था कि जितने भी कलर मैंने यूज़ किया एक बार पूरा बता देता हूँ कि तो ये लॉकर है स्टार्टिंग में उसके बाद आल्टामिन डीप है आरकोश है वाल ब्लू भी आप यूज़ कर सकते थोड़ा फिर जमीन के ऊपर जो योलो जो टोन देख रहा है आपको बहुत मीठा सा वो गोल्डन येलो है ये सारे कलर मेरा मिशन गोल्ड का है और बहुत ही खूबसूरत खास करके जो टार्कोइश है ग्रीन गोल्ड है बहुत खूबसूरत कलर है सारे कलर अच्छा है वैसे मुझे कुछ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आई टॉपिक बंसियाना यूज़ किया गया ऑलिव ग्रीन यहाँ पे ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा जा रहा है वगैरह हो, पतला सा ब्रास यूज़ किया जा रहा है था कितने बारीकी काम होगा उतना अच्छा डेप्थ महसूस होगा मेरा आवाज अभी ठीक है एक्चुअली पूरा सेटअप चेंज किया था वीडियोस कोडिंग से लेकर के कैमरा सेटअप पूरा किया तो थोड़ा सा बिखर गया तो अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया तो मैं सेट कर लूँगा फिर मुझे मालूम नहीं चल रहा कितना हुआ क्या ओके यहाँ पे एक चीज है कि इस जो जमीन का हिस्सा है सामने वाला पार्ट में मैं इसे अच्छी तरह ढकूँगा जिससे मेरा जो एरिया है जो दूर जो डेप्थ है वो टारकोइस जो एरिया है जमीन है वो अच्छी तरह निखारे और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बिगनर्स हैं इसे आप बड़ा सा डिवाइस में देखने की कोशिश कीजिए जैसे एंड्रॉयड टीवी हो गया लैपटॉप हो गया क्योंकि ये वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और आप उसमें देखेंगे तो आप निश्चिंत होकर आराम से देख सकते पूरा थोड़ा बड़ा स्क्रीन में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जजमेंट होगा आपको महसूस होगा कि आप सामने से देख रहे हो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे कलर वहीं हैं और इस तरह से कैसे यूज़ किया जा रहा है पानी भी वही है सब कुछ दिख रहा है आपको तो बस आपको थोड़ा सा समय देना है थोड़ा तो आपको खुद को करना है उसी से हो जाएगा इस सामने वाला पार्ट को डार्क करने का एक ही मकसद है कि वो दूर है जो डेफ है नज़र उसकी ओर चला जाए और यहां पे वीडियो में कुछ क्रॉप नहीं किया गया है जो भी वीडियो है पूरा आपके पास आपके सामने है नीचे कुछ मेरा ऑनलाइन क्लासेस वेबसाइट इंस्टाग्राम वो हो रहा है तो वो फॉलो कर सकते आप नए 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 आए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखेंगे कि मैं कभी भी ऐसे यूं ही लाइव आ जाता हूं थोड़ा आपसे बात करने और शेयर करने के लिए तो अगर आप सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बिल करके रखेंगे तो आपको मिल जाएगा छोटी से छोटी चीज़ छोटे से छोटे पेड़ हो सकता है, छोटे से छोटे एनिमल्स हो सकते हैं पी हो सकता है दूर सामने जो भी है हमें करना पड़ता है अच्छी तरह तब दिखता है वो तो समय जितना अच्छा लगे उतना अच्छा है समय ज़्यादा लगने दीजिए अच्छी तरह फॉलो कीजिए कलर को कैसे यूज़ किया गया ये सारे कुछ एक बार में नहीं होने वाला है धीरे धीरे आपको समझ आएगा और कल रात में जब हरमन पिकल सर का एक पेंटिंग फॉलो कर रहा था तो आप यहाँ पे कुछ पेड़ मुझे दिखा था काफ़ी एटेक्टिव करता है पेंटिंग्स को तो मैं भी यहीं यूं ही थोड़ा सा मन से एक पेड़ बना दूंगा यहाँ पे ये कंपोजिशन को कवर भी करेगा चारों तरफ से और खालीपन थोड़ा दूर हो जाएगा और इस समय थोड़ा सा ड्राई स्टोक्स चल रहा है और ब्रास को आप थोड़ा सा लेठा के यूज करना है ताकि पेपर के ऊपर जो टेक्चर है जो ग्रेन है वो कलर को पकड़े और दाना दाना सा मतलब पेड़ के पत्ते का फीलिंग दे और इसी को चाहिए तो ये जो कंपोजिशन या मेरा पेंटिंग का फ़ोटो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे पेंटिंग तो मिल जाएगा अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे सकता हूँ बट इसका थोड़ा सा टाइम है कि कुछ दिन के अंदर अगर आप मांगते हैं तो मेरे पास होता है बैज के अंदर कई महीना बाद कोई मांगे तो वो फिर शायद मैं वो अवेलेबल नहीं होगा उस समय कैमरा की वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिखे बट जो डार्क है इतना हार्ड नहीं है सॉफ्ट है okay. मैक्सिमम पानी के साथ ही डार्क नीचे लेके आ रहा हूँ और क्या होगा तो मैं कह रहा था कि वो दूर जो ज़मीन का हिस्सा है तो जो डेप्थ उस पर नजर जाएगा और अच्छा दिखेगा तो बहुत सिंपल है आप भी ट्राई कीजिए कैसे कैसे कलर को यूज़ करना पूरा पैलेट आपके सामने रखा हूँ मैं पैलेट में कौन कौन सा कलर है वो भी जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पैलेट का एक वो बना रखा जो जो मैं कलर यूज़ करता हूँ वो आपको शेयर कर सकता हूँ मेरा नंबर है सेवन जीरो जीरो नाइन वन सिक्स टू नाइन सेवन जीरो जब भी मुझे पूछिएगा अपना नाम पहले बता दीजिएगा प्लीज़ एक लैंडस्केप है जिसके अंदर वाटर कलर पेंटिंग आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें अनसेफ होते हैं पेड़ पत्ता इधर उधर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाना भी थोड़ा इजी होता है और यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है बहुत सिंपल है ज़्यादा समय नहीं लगा और जो भी आ, वीडियोस आपको मिला वो रियल टाइम है ट्वेंटी फाइव मिनट के अंदर इस तरह से एक लैंडस्केप वीडियो मिल जाता है आपको बस एक चीज़ करना है कि वीडियोस को दो चार बार देखे दो चार बार देखने से क्या होगा तो क्लियर मालूम चल जाएगा कि कैसे मैंने ये कलर यूज़ किया है छोटे छोटे में प्रैक्टिस कर सकते हैं आप पहले समझने के लिए कलर को तो यही था आज का एक छोटा सा डेमो लैंडस्केप और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह से मैं बार बार आऊँ तो आप भी जुड़ जाए चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद टेक केयर